मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जा रहे हैं, आज हमारी गाड़ी आ गई है, हम अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। घर की चाबी छोड़ दूँ दरवाजा लॉकडाउन 2 वीक के लिए एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए ज्यादा दूर तो हम जा नहीं सकते, बट 2 किलोमीटर के अंदर अंदर हम 5 किलोमीटर के अंदर अंदर हम जा सकते हैं और वो 2 किलोमीटर दूर है। सो लेट्स गो। मौसम एकदम से ही बदल गया है, पहले यहाँ काफी ठंड थी और जब हम इस डोर से बाहर निकलते थे तो हमें एकदम ठंडी हवा आने लगती थी, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर मौसम इतना चेंज हो गया है कि अब हमें यहाँ पर ठंडी हवा नहीं लग रही और आज टेम्परेचर गालिबन 21-22 के करीब है। हम की एक्साइटमेंट चेक करें ज़रा। आई एम सो हैप्पी 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 एंड लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और अब मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँचने के बाद। रास्ते में दरमियान में भी शायद अगर कुछ अच्छा देखने के काबिल हुआ तो आपको दिखाएंगे। ये एक कॉरिडोर है, होटल अपार्टमेंट से निकलते ही एक कॉरिडोर है और ये कॉरिडोर जो है ख़त्म होता है, उसके बाद ठंडी हवा आती है। यहाँ पर तो गाड़ियों के नंबर प्लेट लगी हुई है तो हम तो अप्लाइड फॉर नहीं ले रहे हैं, हमारी अप्लाइड फॉर है ना, तो यहाँ पे नंबर लगवाने का क्या सिस्टम होगा? तो अगर हमने अपनी मर्जी का नंबर चूज करना हो तो अलग चार्जेस होते हैं, बाद में आप देखिए। आपने पूछा कितने चार्जेस हैं? $500 देने के बाद हम अहम लगवा लेंगे, अहम या तो अहम लगवा लेंगे या फिर चांद लगवा लेंगे। अभी पहले हम गाड़ी ले लेंगे और फिर उसके बाद हम उसे चेंज करवा लेंगे। अहम सो मेनी मेनी कार्स, किस कदर साफ और कुशादा गलियां हैं और रोड्स हैं यहाँ पर, और शुक्र है यहाँ पे आसमान और ग्रीनरी भी नज़र आती है, वरना दुबई में तो कंक्रीट और पत्थर स्टील देख देख कर इंसान भी स्टील का ही हो चुका है। यहाँ पे एटलीस्ट नेचर तो नज़र आती है, लेकिन बाहर हाल मिस मैं दुबई को बहुत करती हूँ। दुबई इज द बेस्ट प्लेस। ये आहा, सो मेनी मेनी कार्स। जो लॉकडाउन हमारे आने के बाद यहाँ स्टार्ट हुआ वो अब तक जारी है और आज फिर वो एक्सटेंड हो गया फॉर 2 वीक्स। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हमारे ऑलमोस्ट सारे काम अब तक हो चुके होते, लेकिन अभी हम पहले वेट करते रहे हैं, पहले बैंक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था वो भी टाइम ले रहा था, उसके बाद कल अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र हुई है और आज हम गाड़ी लेने आए हैं। गाड़ी लेने के बाद अब हम जो है वो घर के लिए कुछ एरियाज हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, उनको विज़िट करेंगे, वहाँ पर जो जो घर हैं उनमें से जो बेस्ट होगा वो घर हम चूज़ करेंगे। अपना
अपना प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए जाएंगे और अहम इज वेटिंग फॉर द कार. अहम इज वेटिंग फॉर हिज ब्लू कार. बाहर आ चुके हैं, उनको हमने चेक दे दिया. अपना प्रोसीजर करेंगे वेरिफिकेशन का, जो कोई भी उन्होंने करना होगा, और उसके बाद वो हमें गाड़ी यहाँ ला कर दे देंगे. हम पैदल आए थे और गाड़ी पर जाएंगे. एंड दिस इज अहम बेबी वेटिंग फॉर हिज कार. आने वालों को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि वहाँ पर जब आप कहीं जाते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम, बैठने के लिए सीटिंग प्लान, सब कुछ अवेलेबल होता है और आपको एक अच्छी और लग्जरियस किस्म की फील आती है. यहाँ पे आप पे करके रोड पे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस. यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है. सो वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज़ मेलबर्न. एंजॉय द पार्टी. हम लेट्स गो. ओहो मुबारकबाद तो दी नहीं. रुक मुबारक हो. बहुत 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 माशाल्लाह, आपकी मेहनत का समर है. मुबारक हो. चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर बैठे हैं. बाबा की शान. ये मामा इज कमिंग. चलो जी लेट्स गो. So, here we go. पार्किंग में पहुंचने के बाद पता चला कि हमें पार्किंग नंबर पता ही नहीं है. सो अब मैं आ चुकी हूँ घर के अंदर. यहाँ पर कुछ पेपर्स थे, हो सकता है उनमें से किसी पेपर के ऊपर पार्किंग नंबर लिखा हुआ हो. फाइनली वी आर होम नाउ. कार हमारी आ चुकी है और हम और उसके बाबा उसको पार्क करके और आ रहे हैं. ये था हमारा आज का व्लॉग. अब नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी घर ढूंढने के लिए. हम जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो घर देखेंगे वो आपसे शेयर करते रहेंगे. अब तक के लिए इतना ही. आज अच्छा सा मीठा पकाएंगे और खाएंगे. अब तक के लिए खुदा हाफिज़.